ईशान आया था, जब ईशान जो पहला मैंने उसको, इतना छोटा बच्चा था, उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता बच्चा किस तरीके से खेले, बट उसी उम्र में जब मैंने उसको 5-6 बॉल नॉकिंग कराया था तो उसने पहला बॉल ही उसने कवर ड्राइव मारा था। मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, T10 इतना फेमस नहीं होगा क्योंकि 11 साल के बाद ही ट्रायल का एलिजिबिलिटी है। कम से कम 6 साल एक बच्चे के पास अंडर 14 के पास भी बचते हैं, और इस दौरान अगर कोई भी बच्चे अगर उस तरीके से मेहनत और उसका लगन और एक सही मेंटर और गुरु के पास ही पहुंचना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार लोकल 18 से, और हमारे साथ हैं ऐसे हेड कोच जिन्होंने ईशान किशन को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल करा के उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका दिलाया है। हमारे साथ आज ऐसे कोच हैं जो आज हेड कोचिंग कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच सकें। सर, आज का जो इंटरव्यू हमारा है वो बेसिक इसी बात को लेकर है कि अगर हम किसी बच्चे को उसके टैलेंट को पहचान के आगे बढ़ने का मौका दें तो वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे वो आगे बढ़ सकता है। देखिए दुष्यंत जी, क्या बोलते हैं, मैं अभी हम लोग खड़े हैं SDRB UMCC क्रिकेट अकेडमी, आई एम दैट चेयरमैन हेड कोच ऑफ मेंटर ऑफ SDRB UMCC क्रिकेट अकेडमी। ये पहले मेरा 3 जगह पे गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली में अब मेरा सेंटर हुआ करता था लॉकडाउन से पहले। उसके बाद लॉकडाउन के काफ़ी बड़ा असर पड़ा। उसके बाद मैं ग्रेटर नोएडा में धनकौर एक ऐसा जगह है जो गुरु द्रोणाचार्य की जगह है, वहाँ पे मैंने इस लेवल पे मैं अभी एक ग्राउंड आपने देख रहे हैं, इतना अच्छा फैसिलिटीज़ बनाए और सारे एज ग्रुप का आपने बच्चे देखे, बच्चे यहाँ पे अंडर 12, 14, 16, 19, इवन मेरा जो UMCC हॉस्टल है यहाँ पे इंडिया के सारे जगह से बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस भी करता है। और तो हम लोग फैसिलिटी भी, हम लोग रात का भी फैसिलिटीज़, हम लोग नाइट पे भी क्रिकेट प्रैक्टिस करने का फैसिलिटीज़ दिए हैं, क्योंकि जब तक फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तब तक बच्चे भी तैयार नहीं होगा। तो मेरा इनिशियल स्टेज में जब भी कोई बच्चे इनरोल करने के लिए आते हैं, जो बच्चे आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जो छोटे बच्चे ज़्यादा आएँ तो उससे क्या है ना, उनका स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब बच्चे 19-20 का आते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है। जो अंडर एजेस का जो कैटेगरी है अंडर 14, 16 और 19 लेवल पे जो स्टेट कैटेगरीज में जो बच्चे आते हैं उसमें सेट नहीं होता है जब बड़े बच्चे आ जाते हैं। और जब 10-12 साल के भी बच्चे आते हैं तो उनको पास ऐसा प्रतिभा को हम लोग उसको नरिश करते हैं, क्योंकि मेरा काम ही है उसको देखना, पहला उसको फिटनेस कराना, उसको डेली रूटीन पे उनका स्किल वर्क पे ध्यान देना। जब तक वो उसके ऊपर ध्यान देते, जब लोग एक साल में जब उसको तैयार कर लेते हैं तब जाके उसको अंडर 14 का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो शुरुआती एज कौन सी है जहाँ पे क्रिकेट सही मायने में शुरू करने की। देखिए शुरुआती एज तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं ईशान को जब मैंने नरिश किए थे दैट द एज ऑफ 6 ईयर्स, क्योंकि मैं उस टाइम खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर था और मैं कोच भी ईशान को दिए हैं। मैं उसी टाइम के भाई बात कर रहा हूँ, और उसी टाइम पे जब ईशान आया था जब एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 ईयर्स एज में मैं जब मैंने 2 साल उसके ऊपर मेहनत करके मैंने जब तैयार किए, तब आपका लास्ट सीन तो सभी को ही पता है, जो आज ईशान किशन टीम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर है, IPL का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, अभी आने वाले T20 वर्ल्ड कप आने वाले हैं तो उसमें मतलब बहुत बड़ा एक रोल है ईशान का। तो वही है, अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे यंगस्टर्स है जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा में, दिल्ली से बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, और उनको मैं एक ही चीज़ काम करता हूँ, उनका फिटनेस के ऊपर ध्यान देता हूँ, उसके सारे डेली स्किल्स के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो इसी एज में जब 14 साल की उम्र तक, 6 से लेके 14 साल की उम्र तक अगर मैं इसका स्किल डेवलप कर दूँ तब जाके वो स्टेट लेवल पे अंडर 14, 16, 19 की जो कैटेगरी है जो स्टेट लेवल का, उस कैटेगरी में फिट हो पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें से हम किसी एक को भी ये माने कि भैया वो इंडिया खेलेगा आगे जाके, तो वो कौन सा तरीका होगा जिससे वो आगे बढ़ेगा? देखिए तरीका तो बहुत सारे चीज़ है, क्योंकि हम लोग पहला ही चीज़ देखते हैं एक बच्चे का अंदर की हुनर है ना, वो टैलेंट बोलते हैं, प्रोडिजी बोलते हैं। तो जब ईशान आया था, जब ईशान जो पहला मैंने उसको, इतना छोटा बच्चा था उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता बच्चा किस तरीके से खेले, बट उसी उम्र में जब मैंने उसको 5-6 बॉल नॉकिंग कराया था तो उसने पहला बॉल ही उसने कवर ड्राइव मारा था। तो मैंने पहला बॉल पे कवर ड्राइव मारने के बाद ही उनके पिताजी को मैंने जो शब्द बोले थे वो 3 बार मैंने बोला था, जो आप टीम इंडिया खेलेगा, टीम इंडिया खेलेगा, टीम इंडिया खेलेगा।
तो यही जो चीज़ होता है, जो हम लोग जो बच्चे को देखते ही जो पेरेंट्स लेके आते हैं, और किसी बच्चे के ऊपर ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, देखिए सब बच्चे एक जैसे नहीं होता है और वो फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और तभी जाके हम लोग भी कोशिश करते हैं जो इसको किस तरीके से किस लेवल पे उसको इस बच्चे को लेके पहुँचाए, क्योंकि मेहनत और लगन और साथ साथ सारे चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस सेशन है ना, जैसे प्रैक्टिस का बहुत सारे कैटेगरी होता है, उस लेवल पे जब एक बच्चा खड़े उतरे तब जाके हम लोग सोचते हैं जी ये अभी एक तैयारी हो गया, अभी इसको अभी स्टेट लेवल के लिए भेज सकते हैं। आपने बताया सर 14, 16, अंडर 19 इस तीन स्टेज से बच्चे को गुजर के और जाना है अपने नेशनल टीम में, तो 14 खेलने के लिए वो कब तक तैयार हो जाए? अगर 14 मिस हो गया तो क्या स्कोप है कि वो 16 और 19 के जरिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि 14 तो एक स्टेट लेवल का मैचेस होता है और 16 से ही BCCI के मेन मैचेस शुरू हो जाता है, और 14 में जब बच्चे तैयार होते हैं, मान के चलते 2 साल लगते हैं क्योंकि 11 साल के बाद ही ट्रायल का एलिजिबिलिटी है, और 14 साल में जब अंडर 14 में जब वो बच्चे जाते हैं, अगर मान के चलते हैं बहुत बच्चे आते हैं, अगर बच्चे अगर तैयार भी नहीं हुआ है, अगर बाई चांस मिस भी हो जाता है, ट्रायल की बात है और उसमें सिलेक्शन तो सिलेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, तो अगर बच्चे निराश होने की कोई बात नहीं, उसके पास 16 का भी 2 साल और अंडर 19 का भी दो तीन साल उसके पास है, कम से कम 6 साल एक बच्चे के पास अंडर 14 के पास भी बचते हैं, और इस दौरान अगर कोई भी बच्चे अगर उस तरीके से मेहनत और उसका लगन और एक सही मेंटर और गुरु के पास ही पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक उस तरीके से आपने देखे हम लोग का मॉनिटरिंग किस तरीके से होता है, बच्चे तो खेल रहे हैं बट एक कोच का काम है उस बच्चे का किस दिशा पे काम हो रहा है, उसका जो फॉल्ट हो रहा है कैसे फॉल्ट को पकड़ा जाए और उसको उसी फॉल्ट में उसको सही दिशा पे और उसको उसी पे काम करना, तो हम लोग भी यहाँ पे सारे कोचेज और सारे लोग भी हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तभी हम लोग को पता चलता है बांध के चलते हैं जो 14 भी मिस हो गया तो हम लोग निराश नहीं होते, क्योंकि हम लोग के पास 5-6 साल रहता है उस बच्चे को 16 और 19 खिलाने का। मान लीजिए ग्लैमर दे के किसी माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को क्रिकेटर बनना है, और अगर वो प्रतिभा शायद वो टैलेंट मिस है, तो कैसे आप उसको बताएंगे कि भैया नहीं बन पाएगा आप छोड़ दो? देखिए हम लोग जो कोचेज और मेंटर होते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी उस चीज़ के ऊपर निराश नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए एक बच्चा जब 19-20 साल में आते हैं तो अगर पेरेंट्स के अंदर बहुत इच्छा है, क्योंकि तभी हम लोग क्या ना 2-3 दिन का एक फ्री डेमो ट्रायल रखते हैं उसके ऊपर, और उसमें हम लोग उसको बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीज़ देखते हैं, क्योंकि उस कैटेगरी में तो पहली बात तो 16-19 में तो वो तो आउट हो गया, अभी बचा हुआ है अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी। हाँ जी, तो इस कैटेगरी में जब 20 साल के कोई बच्चे आते हैं, अगर हम लोग देख लेते हैं 2-3 दिन में उसके मेरे मुताबिक उसका बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग अच्छा नहीं हुआ है, तो 3 दिन के बाद हम लोग पेरेंट्स को बता देते हैं जिसको आगे क्रिकेट ना खिलाना ही ठीक है, क्योंकि एज भी ज़्यादा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या होता है यहाँ पे एक समय देना पड़ता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ 1-2 घंटे के प्रैक्टिस में हम लोग नहीं सोच सकते हैं जो बच्चे को स्टेट लेवल और इंडिया खिलाने का, कम से कम 5-6 घंटे का कड़ी मेहनत 2-2 टाइम के में देना पड़ता है, बहुत सारे कम से कम 600-700 बॉले रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम लोग सोच सकते हैं जो उस लेवल। अगर हम ईशान किशन की बात करें जी, तो कितनी बॉलें प्रैक्टिस करते थे? रेगुलर 300-400 बॉले उस छोटे एज में। छोटा कितना मतलब? 6 साल, जब 6-7 साल था तब जाके रेगुलर में उसको आफ्टर नेट्स 300-400 बॉल में उसको खिलाता था, 300-400 बॉल्स इन दैट एज ग्रुप, ठीक है, और सारे शॉट्स की तैयारी। अच्छा, और ये गांव में जैसे बहुत नया टैलेंट होता है तो क्या है उनको पता नहीं होता कि यार जाना कैसे है, मान लो आप जैसे अच्छे कोच लगाना हो तो क्या कैसे वो तलाश करें, कैसे निकलें, क्या बताएं अपने घर वालों को यार नहीं मेरे अंदर प्रतिभा है मैं खेल सकता हूँ? जी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ अभी मेरे जरिए आपके जरिए, जैसे हम लोग का यूट्यूब चैनल है और हम लोग का जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है UMCC क्रिकेट अकेडमी, और मेरा क्रिकेट गुरु उत्तम मजुमदार जो यूट्यूब चैनल है, इसके जरिए मेरा जो इंडिया के सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और क्या बोलते हैं उसी से मेरे पास सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, और सब बच्चे इवन बिहार के, यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, इवन आपके तमिलनाडु हो गया, साउथ के भी, मुंबई से भी, इवन मेरे पास दुबई के भी बच्चे मेरे पास आके 2-2 महीने के कैंप करते हैं, अभी कोयम्बटूर से भी, केरल से भी बच्चे आएंगे,
एंड वो लोग भी दो दो इवन यूएस से भी एक दो बच्चे आने की अभी बात है जनवरी फरवरी में, उन लोग को भी बातचीत चल रहा है मेरे पास आके। तो ऐसे सारे बच्चे आते हैं मेरे हॉस्टल में, मेरा सारे बंदोबस्त है, आपने मेरा कैंटीन का भी फैसिलिटीज़ है, बच्चे सुबह से जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनको दोनों टाइम का प्रैक्टिस सेशन रहता है, सुबह भी और शाम को भी, इवन नाइट्स में भी हम लोग को फैसिलिटीज़ किया हुआ है, रात में भी हम लोग को मैचेस का और सारे चीज़ का सुविधा हम लोग सब बच्चे लोग को दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो जितना ज़्यादा एक बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा उसको हम लोग खिलाएंगे, तो हम लोग को लगता है जो प्रतिभा भी उस लेवल का, जैसे इंडिया जैसे मैंने ईशान को तैयार किया, उसी लगता है जो सारे बच्चे के अंदर जो प्रतिभा हो वो निखर के आगे जाके टीम इंडिया के लिए हम लोग और आईपीएल के लिए भी तैयार कर सकते हैं। सर जब कोई बच्चा आता है तो क्या गोल लेके चलते हैं कि कम से कम आईपीएल खेल ले, कम से कम रणजी खेल ले, या फिर नहीं, मेरा लक्ष्य, मेरे पास जो आते हैं, मैं आईपीएल और रणजी ट्रॉफी के लिए नहीं सोचता हूँ, मेरा जो मेन मोटो है वो मेरा इंडिया है। इंडिया से नीचे मैं कुछ नहीं सोचता हूँ ना मैं देखता हूँ। मेरा लक्ष्य वो रणजी ट्रॉफी खिलाना और आईपीएल खिलाना नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है जो टीम इंडिया में एक बच्चा को मेहनत करने के बाद वहाँ पे कैसे पहुँचाया जाए और उस लेवल के प्रैक्टिस कैसे कराया जाए। तो मेरा हमेशा एक सपना रहता है, मेरा हमेशा एक अंदर से खुशी रहती है, जो पेरेंट्स आते हैं, जो पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, मेरे पास भी यहाँ पे भी बहुत पेरेंट्स आते हैं और बच्चे के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो बच्चे आगे जाते हैं जो बच्चे के थोड़ा सा टाइम, इसमें टाइम टेकिंग है। सर जैसे बच्चे आए, बच्चे को लगता है कि यार मैं विराट कोहली और रोहित जैसा बल्लेबाज बन जाऊं, लेकिन शमी जैसा बॉलर बनना हूँ, तो मतलब क्या? आपने सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सारे आजकल पेरेंट्स आते हैं तो बोले विराट और ईशान और रोहित बनना है, बट मैंने बोला है जो बॉलर्स भी बेटा बनो, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरा जो मेन लक्ष्य है एक प्लेयर को एज अ ऑलराउंडर बनाना, क्योंकि देखिए बैटिंग, वो अगर बैटिंग करता है उसको बॉलिंग में भी उसको सेम उसको पुश करना, अगर कोई बॉलर है तो उसको एज अ बैटिंग में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से आईपीएल हो रहा है और सारे चीज़ हो रहा है तो वहाँ पे भी बैटिंग बॉलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, और एक प्लेयर को दोनों ही चाहिए होता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ों से, क्योंकि अगर मान के चलते हैं T20 चार चार ओवर की बॉलिंग करना पड़ता है, अगर जो प्लेयर हार्दिक पांड्या को आप देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, बस चोट के कारण थोड़ा सा बाहर हुआ है, और मुझे लग रहा है ऐसा प्रतिभा है हार्दिक, और वो अभी T20 का कप्तान भी है, अभी सूर्या को बनाया गया, तो मुझे लगता है जो ऐसे जैसे रोल मॉडल है, जो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स में प्रतिभा छुपा पड़ा हुआ है गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, कैसे बाहर आएगी सर, मतलब तो ऐसे ही क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अभी BCCI बहुत बड़ा रोल कर रहा है, NCA में बहुत अच्छा सुविधा है, सारे स्टेट लेवल को वो सारे सिलेक्टर्स और सब चीज़ दिया हुआ है, तो इस तरीके से अगर हम लोग उस ऐसे ऐसे टैलेंट को अगर हम लोग स्टेट लेवल पे पहुंचा के वो सही बच्चे को जब तक NCA में जाके मॉनिटरिंग करके उन बच्चे को जब तक मतलब जो मेन ऑब्जर्विंग कमेटी है सारे चीज़ है, तो अगर उनको अगर एक कैंप में रखा जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, मुझे लगता है ऐसे प्लेयर में से ही टीम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर जैसे T20 हो गया, इतना हाइप हो गया उसका आईपीएल की वजह से, और दूसरे देश भी ऐसे लीग्स चला रहे हैं, T10 का भी टाइम आ गया क्या? T10 आ रहा है, बट T10 का इतना मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, T10 इतना फेमस नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय कम होता है, एक मारधर पर, तो उसमें एक असली स्किल वर्क है वो T20 तक ही सीमित है। नहीं, जैसे लोगों के पास टाइम नहीं, अभी बहुत सारे स्टेडियम हमने खाली देखे वर्ल्ड कप के दौरान, होता है, तो T10 आया और लोगों को लगा कि नहीं यार, देखिए 50 ओवर टेस्ट मैच इज ऑलवेज इज ग्रेट, क्योंकि वहाँ पे असली क्रिकेट का जो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि T10 T20 जितना भी बोलिए, क्योंकि एक 50 ओवर्स मैच और एक टेस्ट मैच वो कभी ख़त्म ही हो ही नहीं सकता, अगर वो ख़त्म हो जाए क्रिकेट ही ख़त्म है, क्योंकि एक प्लेयर को असली जजमेंट करना, असली स्किल वर्क पता होना वो टेस्ट मैच और 50 ओवर से ही पता चल जाता है, क्योंकि T20 में क्या होता है, एक बॉलर को 4 ओवर मौका मिलता है, आप उस 4 ओवर में क्या स्किल वर्क दिखाएंगे, क्या करेंगे? स्किल से अगर हम ये सोचें कि सर आप एंटरटेनमेंट कैसे, एंटरटेनमेंट कैसे ग्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे भी जैसे क्या होता है जो 50 ओवर्स में भी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ICC को, जिससे मैच एंटरटेनमेंट हो, क्राउड आए, क्योंकि जब तक क्राउड नहीं आएगा तब तक कोई मतलब अट्रैक्शन नहीं है। हम लोग लॉकडाउन में भी बिना दर्शक में भी हम लोग खेल देखे थे, वहाँ पे प्लेयर्स इंजॉय नहीं कर पा रहे थे,
तो यहाँ पे भी हम लोग को सोचना है जो यहाँ पे स्किल वर्क और क्या बोलते हैं जो दर्शक कैसे आए, एंटरटेनमेंट कैसे हुए, और इससे क्या बोलते हैं प्लेयर्स को भी पता है, इसमें बिजनेस भी अच्छा होता है सारे तरफ से। मतलब आप देखिए कितना स्पॉन्सर, अब जब से क्राउड आने लगा, जब से सब अभी BCCI का भी कितना बड़ा रोल हो रहा है, और BCCI सारे स्टेट बॉडी को जब फंड करते हैं सब, इससे सारे स्टेट में स्टेट बॉडी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल को कवर करते हैं, तो एक तरफ से BCCI का कितना बड़ा रोल हो गया है ना। IPL अच्छा होने के बाद कितना कितने ऐसे प्लेयर जिसको एक प्लेयर उसको स्टेट में भी मौका नहीं मिलता, आज ऐसे प्लेयर को भी हम लोग करोड़पति होने देख पाते हैं, जिसमें रणजी ट्रॉफी में उसको मैच फीस ज़्यादा बहुत ही कम मिल रहे हैं। तो सर ये मान लीजिए मैच फीस की बात है, पैसे कमाने के लिहाज से T10 को कैसे देखते हैं? T10 पैसे कमाने के लिए मैं चला गया, मतलब उसमें टैलेंट है, नहीं खेल रहा। सबसे बड़ी बात है मैं T10 को एक आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो T10 इतना ज़्यादा मतलब अभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अभी T20 का ज़माना है, क्योंकि T10 इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट, क्योंकि T10 में क्या होता है ना, मारधर वाला गेम तो होता है, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब तक मैचेस ज़्यादा ना ही होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे टीम को भी आना पड़ेगा, क्योंकि IPL सबसे सफल क्यों है, क्योंकि इसमें सारे स्पॉन्सर्स हो गया, सारे अच्छे बॉलर्स हो गया, सारे अच्छे प्लेयर्स हो गया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, इंडियन टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई, क्या वजह रही होगी आपकी नज़र में? देखिए इंडियन टीम इस बार जो प्रदर्शन किया है, और ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, मतलब 10 मैच इन्होंने लगातार जीते हैं, सारे प्लेयर्स रोहित से लेके विराट, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, सूर्य शुभमन गिल से लेके सब ने अच्छा प्रदर्शन किया, इवन बॉलर को देख लीजिए बुमराह, सामी और जडेजा। तो फाइनल में हमसे कहाँ कमी रह गई या क्या? देखिए फाइनल में कमी रह गई है, थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा एक डबल पेस में खेल गया, वहाँ पे जो हम लोग को जो पहले बैटिंग आ गया और वो उस टाइम विकेट थोड़ा सा स्लो था और डबल पेस पे था, तो इसके कारण इंडियन टीम के कोई वो नहीं है, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्लो था इसके कारण थोड़ा सा ये हो गया, पर लास्ट में सेकंड हाफ में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग किए उस टाइम ड्यू के कारण विकेट बहुत अच्छा, एक पाटा बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में, और एक सॉलिड बॉल बाउंस भी कर रहा था, डबल पेस नहीं था। सर ये होता क्या है कि मेंटल स्ट्रेंथ की एक बात करते हैं, जब हम खेल रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली और KL राहुल जब खेल रहे थे थोड़ा स्लो हो गए, या शायद बाउंड्रीज निकाल सकते थे, लेकिन वहीं ट्रेविस हेड जब आए तो वो बहुत एक पेस पे खेले, तो कहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की कितनी ज़रूरत है खिलाड़ी के लिए कि वो देख पाए कि भाई मुझे करना है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग देखिए इस वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, इसके हम लोग का होप है, बट अभी से हम लोग को मिशन 27 के लिए तैयारी रखना पड़ेगा, जो देखिए क्योंकि एक चीज़ बोल सकते हैं जो ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलियन ऑलरेडी 5 वर्ल्ड कप जीत 5 इस वर्ल्ड कप से पहले 5 वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीते हुए थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो इससे क्या होता है पता चलता है ऑस्ट्रेलियन की जो मानसिकता है, वहाँ पे ऑलरेडी जीता हुआ मानसिकता वो अलग काम करता है, क्योंकि फाइनल ये लोग 10 मैच तो जीते हुए थे, बट एक मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है एक फाइनल मैच का और कप को जिताना, तो वो चीज़ इंडियन टीम को समझना पड़ेगा, एक जब प्रेशर सिचुएशन आता है जितने बड़े प्लेयर को वहाँ पे खड़ा उतारना पड़ेगा, और वहाँ पे यहाँ पे इट्स अ मीटिंग करना है, क्योंकि हम लोग को ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड कप हाथ से आने वाले चैलेंजेस। तो 2027 में आप किस किस प्लेयर को देखते हैं कि ये खेलेगा? देखिए अभी तो ये बहुत दूर है, हम लोग तो ऐसे सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक फिर भी आपको फिटनेस के आधार पे, मेंटल स्ट्रेंथ के आधार पे, काबिलियत के आधार पे कौन लगता है कि कौन खेलेगा? देखिए विराट तो रह सकता है, क्योंकि विराट का जो फिटनेस है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट इस टीम में जैसे शुभमन गिल हो गया, ईशान किशन हो गया, इन 3-4 साल के बाद ये लोग तो एकदम टोटली पका हुआ प्लेयर रहेंगे, ये लोग ही आगे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आगे आपको श्रेयस को भी मैं देख सकता हूँ इसमें, श्रेयस और विराट मतलब एक मैं वो लोग अगर अपना फिटनेस को बजा के रखेंगे तो मुझे लगता है जो आने वाले 2027 का जो वर्ल्ड कप है तो उसमें ये लोग और बाकी शुभमन गिल, ईशान किशन, ऐसे SSB जयसवाल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो अपकमिंग प्लेयर्स। हाल ही में कभी ईशान से बात हुई सर? हाँ रेगुलर ही, नहीं वर्ल्ड कप के बाद ही हुआ है और वर्ल्ड कप के पहले भी हुआ है, तो क्योंकि हम लोग वीडियो कॉल से काफ़ी देर तक बातचीत। किस तरह की बात? देखिए मेरा बातचीत खेल से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मुझे खेल से ज़्यादा समझाना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पका हुआ प्लेयर है, सब चीज़ कर रहा है, क्योंकि हम लोग मैं उसको स्ट्रेस दूर करने के लिए हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और उसको स्ट्रेस फ्री करते हैं। कोई ऐसी बात जो उन्होंने कही यार?
नहीं, मैंने क्या बोला है आपको, क्योंकि मेरा काम होता है उसको पॉजिटिव करना, उसको कोई चीज मिस हो गया तो उसको नेगेटिव बोल के मेरा काम नहीं है। मैं एक डॉक्टर की काम करता हूँ, मेरा पेशेंट आता है तो उसको सही तरीके से इलाज करना, और मैं ही अगर बोलेंगे जो यार वर्ल्ड कप हार गया वो हो गया, मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है सबको पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव, और जैसे जो चीज़ बीत गया वो हिस्ट्री हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा सोचने का नहीं है। मैंने बोला आप जो चीज़ बीत गया उसको सोचना नहीं है, आने वाले जो टाइम है उसके ऊपर आप खड़े उतरो, उसके ऊपर मेहनत करो, और आने वाले टाइम में आप लोग ही देश को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड कप को आपको ही जिताना। सर क्विकली, ऐसा कोई वाकया ईशान किशन का जो बचपन में जब वो खेलते हों या तैयारी कर रहे हों, कोई ऐसा फनी मोमेंट हो सकता है या बहुत हार्ड मोमेंट हो सकता है जब उन्होंने लगातार दो चार दिन एकदम छक्के मेहनत किया, बहुत डांट दिया आपने? हाँ, ऐसा हाँ, कुछ हाँ, बहुत सारे चीज है इसमें, आपको दो चीज, एक फनी मोमेंट बोल रहा हूँ, जैसे क्योंकि वो बहुत नोटी होता था ईशान, और वो मेरे हाथ से बहुत पिटाई भी खाया और वो बहुत ज्यादा, और उस टाइम जब मैं गुस्सा आता था उस टाइम उसके फादर सब स्टेडियम मोइनुलक स्टेडियम से बिहार क्रिकेट एकेडमी का जो ग्राउंड पे बैठे रहते थे, मैंने बोला आप चले जाओ नहीं तो मैं उसको और ज़्यादा पिटाई करूँगा। तो ये चीज़ होता था, तो और क्या बोलते हैं, उसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और फनी मोमेंट बोल सकते हैं जो वो एक ऐसा बच्चा है जो ड्रेसिंग रूम को ना लाइव रखता है, और उसको अंदर ज़्यादा वो ज़्यादा दुख नहीं है, उसको मैंने कभी भी सैड करके रखा नहीं है, बोले जो चीज़ हो गया हो गया, वो उसमें आप ज़्यादा अपने आप को मायूस ना करो ना नेगेटिव सोचो। तो इसलिए वो हमेशा वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का सबसे चाहते प्लेयर है। और वो फनी मोमेंट आप बता रहे थे वो क्या था सर एग्जैक्टली? फनी मोमेंट वो या कोई हार्ड मोमेंट जिसमें उन्होंने ऐसे हार्ड बहुत मोमेंट कुछ नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली हो कि यार सो गए हो, मतलब पता चला कि यहीं ग्राउंड पे सो गए। बहुत सारे चीज़ ऐसे मोमेंट हुआ है, जैसे एक बार जब वो वर्ल्ड कप अंडर 19 खेल के आया और उसको यहीं से वो सीधा घर नहीं जाके, जब मैंने उसको टिकट करा के और वो मैंने वहाँ पे भेजा, दो दो टिकट हम लोग फ्लाइट मिस हुआ था। एक बार टाइमिंग शाम का था और वो हम लोग सुबह का फ्लाइट था 7 बजे का, हम लोग शाम को 3 बजे यहाँ से निकल गए और 4 बजे पहुँच के, हम लोग इतना जल्दी पहुँचे और हम लोग फ्लाइट बोला गया था जो ये सुबह का ही चला गया, और दूसरा हम लोग फ्लाइट के टिकट करे वहाँ पर वो स्टे किया हुआ था, और दूसरा और वहाँ पे भोर रात में था वो, और वहीं पे ही वो सो गया था, वो दूसरा फ्लाइट भी उसने मिस कर दिया था। दिस इज दैट फनी मोमेंट, वो चीज़ होता है कभी कभी लाइफ में, बट वो गेम खेलने तो लेकिन फाइनली और एक ऐसा अजूबा प्लेयर्स है मैं बोल सकता हूँ जो टीम इंडिया को मिला है, और आने वाले टाइम में ये लोग टीम इंडिया को जिताने के लिए और वर्ल्ड कप जिताने के लिए ये लोग सबसे ज़्यादा बड़ा रोल हो सकता। सर इसमें कंपैरिजन जैसा कुछ नहीं है, फिर भी आपको क्विकली आंसर करना है, विराट बेहतर है कि रोहित बेटर है? नहीं देखिए दोनों अलग अलग प्लेयर हैं, आप दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं, वैसे तो बहुत सारे मैं समझता हूँ, क्योंकि दोनों में अलग अलग खूबियां है ना। देखिए रोहित के पास 300 है और विराट के पास 50 है, फिर भी एक अगर हम सुनना चाहें कि ये ज़्यादा बेटर है, देखिए हम लोग किसकी बेटर है, टेक्निक दोनों का ही बेटर है, दोनों अलग घराना का क्रिकेटर है, एक दिल्ली से एक मुंबई से, जब ऐसे प्लेयर जब आता है दोनों का घराना अलग अलग हो जाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि दोनों ही टीम इंडिया का एक स्तंभ है, मतलब और दोनों ही एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्लेयर है जो टीम इंडिया के लिए इतने सारे मैच जीता है, इतने सारे, मुझे लगता है जो जितने सारे दर्शक सुन रहे हैं मेरे बात, और जो टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप नहीं दे उसका खूब तो है, बट मुझे लगता है इन प्लेयरों को बहुत ज़्यादा इज्जत देना चाहिए, बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, टीम इंडिया के जितने सारे कोचेज हैं उनको, सपोर्ट स्टाफ है, बहुत सारे चीज़ जो है ना इनके ऊपर एक रेस्पेक्ट अदा करना चाहिए, मैं तो यही बोल। कप्तानी किसकी अच्छी थी? अच्छा इस पर तो चले सकते हैं, मैंने किसका कप्तानी, रोहित की या विराट की? आप फिर आप ऐसे में आ जाते हैं, क्योंकि मैं मुझे इस तरीके से आंसर देना आता नहीं है, क्योंकि मैं तो सबको, क्योंकि विराट ने कप्तानी अलग क्या किया, क्योंकि विराट ने भी आपको जो ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैच है वो सीरीज विराट ने जीता था, हम लोग काफ़ी दिन के बाद जीता है, और रोहित ने भी हम लोग काफ़ी सारे सीरीज काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स रोहित के हाथ से जीते, तो हम लोग बोल सकते हैं आज इस बार वर्ल्ड कप भी फाइनल में पहुँचे। ईशान ने ऐसी कोई बात जो आपको बताई हो कि यार धोनी ने उनको मेंटरशिप में ये बात बताई या उनके कप्तान रोहित ने बताई, क्या आपसे डिस्कस की होगी? उन्होंने कहा कि धोनी ने यार ये कहा। एब्सोल्युटली मैं धोनी भाई की बात कर रहा हूँ, जब ईशान 2018 में
झारखंड के प्लेयर थे और उस टाइम धोनी भाई मेंटर थे, और ईशान ने इसके अगेंस्ट दिल्ली के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में 274 मारा था और 6 नंबर में आके जिसमें 14 छक्के मारे थे, और वो एक अभी तक एक हिस्ट्री है और एक रिकॉर्ड है, मतलब आपका बहुत बड़ा। और वो उस टाइम धोनी भाई ईशान को बोला था जैसे अगर आप इंडिया नहीं खेल पाते इसके बाद तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपने टैलेंट के साथ। तो ईशान ने भी रोहित के साथ कम से कम 3-4 साल आईपीएल में बिताए, और बहुत ही रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड कप्तान जिसको बोल सकते हैं। तो कैसे उनको ईशान ने ईशान को बहुत गाइड किया है, बहुत गाइड किया है, क्योंकि मैंने तो उसको बचपन से देखा गाइड किया है। बट वहाँ पे जब कोई बच्चा कोई खेल रहा है किसी टीम में और उसको मुंबई इंडियंस का बहुत साथ मिला, रोहित ने भी उसको एज अ कप्तान उसको बहुत ही ज़्यादा मदद किए हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस किए हैं, जिससे उसका गेम उसको बहुत एक अलग लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो हमारे साथ थे कोच उत्तम मजूमदार जी, जिन्होंने ईशान किशन को इंडियन टीम में पहुंचाया, उनके क्रिकेट को खेलने का, उसको जीने का उसका सपना साकार किया। लोकल टीम के लिए हमने उनसे बहुत सारी बातें की, उन्होंने बताया कि एक बच्चे को अगर आगे बढ़ना हो तो वो कैसे अपना क्रिकेट में करियर बना सकता है।